रही, तू यही रुक, मैं आती हूँ। अरे अरे कोई मदद कर लो हमारी। आंखें खोलो ना, आंखें खोलो। अरे कोई है, बचाओ हमारी मिश्री को, बचाओ, कोई बचाओ। अरे कोई नहीं है, क्या करें अब। वानी तुम्हें पता है हमारी फैमिलीज का कितना पुराना रिश्ता है, और मैं सच कहूँ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम गुड़िया आंटी की बेटी हो। तुम्हें पता है गुड़िया आंटी ने अपनी किडनी दी थी दादी को, और इसी वजह से आज दादी हम सबके बीच है। और मॉम को क्या मिला इस अच्छाई के बदले, सिर्फ दुख, और जो कोई भी मॉम के इस दुख की वजह है। मॉम आप इन्हें माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं इन्हें कभी नहीं माफ कर सकती। गुड़िया आंटी इज बेस्ट। सुनो वानी, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ वानी? इतने समय के बाद सारे लोग एक साथ हैं, तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी है? जाओ वहां जाकर बैठो। अरे राघव भाई देख, आज तो चाय नाश्ते से काम ना चलेगा है? इतनी खुशी का दिन है, जा कन्हैया लाल हलवाई के जा, और वहां ते पेड़े और चमचम, हाँ चमचम लेके आ। और सुन, बालूशाही लेना मत भूलना, तब तक मैं अपनी होने वाली बहू को घर दिखा देती हूँ। ओके, आई लव यू दादी। आज तो पूरी मिठाई की दुकान खरीद लूंगा। चले मिश्री बुआ। बुआ की तो सांस नहीं चल रही है। अरे एक काम ठीक से ना कर सकते हो? हैं? कहाँ गई थी हमने तो से? अरे चोट बुढ़िया से मानी तो तुमने मिश्री के मार दो। हाँ बुढ़िया एक बार बिस्तर पे आ जाती ना तो मिश्री वहाँ की सेवा करती और वो छोरे से मिलना भूल जाती। अम्मा हम वही तो कर रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि बीच में ऐन मौके पे मिश्री आ जाएगी। अब जो होना तो सो होगा, अब चलो। अच्छा हाँ ऐसे तो ना जा सकत, मिश्री को ऐसे छोड़ करके हम जा रहे उसको बचाने। हमारा भाई हीरो है, हीरोइन को बचाने जा रहा हूँ हैं? अब बुढ़िया पूछेगी तो क्या जवाब देगो? हाँ क्या करे, जा देख बेटा, मैं तेरी आंखों में गुस्सा देख सकती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस गुस्से की वजह वो दर्द है जो हमारी वजह से तेरी माँ को मिला है। मुझे उम्मीद है कि गुड़िया की तरह तू भी हमें माफ कर सकती है। और इस गलती की वो वजह, वो राघव की माँ पार्वती, उसे मैं अब तक सजा दे रही हूँ। हम चाहते हैं राघव को ये पता ना चले, उसके दिल को ठेस ना पहुंचे। माँ जी सही कह रही हैं बेटा। राघव को इन सब नाराजगियों से दूर रखते हैं, मेरी गलती की सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए। ये तो भाई फोटो वाला लौंडा है।
ये तो वही है जिसने माँ की जान बचाई थी। सुनिए, हमारी नैया तो डूब गई, अब क्या करें? अबे ऐसे कैसे डूबेगी, डूबेगा तो ये लौंडा। चल 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 मामा जी। नहीं होगा, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर को बुलाइए, इनके सर पे चोट लगी है, जल्दी बुलाइए। हिम्मत रखिए, आप हॉस्पिटल में हो, ओके? हे गोपाला, सब पेशेंट को एडमिट करने से पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा। एक्सक्यूज मी, अरे बोलिए ना। सर, पेशेंट को एडमिट करने से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। ये इमरजेंसी केस है, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, फॉर्म हम बाद में भर सकते हैं, इनको डॉक्टर के पास लेके चलिए। सर बट ये एक्सीडेंट केस है, इसमें परिवार की मंजूरी लेनी होती है, आप प्लीज इस फॉर्म को साइन कर दीजिए। सर आपका है तो मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ। सर आप इनके हस्बैंड है? अरे आपको जो भरना है भर दो, और इनको डॉक्टर के पास लेके चलो, इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। ओके वार्ड बॉय। अच्छा हुआ चोट माथे के ऊपरी हिस्से में लगी है तो बचाव हो गया, वरना चेहरे पे निशान पड़ जाता। चलो चलो चलो, अम्मा पैसा तो दे के जाओ। हाँ, अरे हम भूल गए, ये भगवान घाट पे पैसे रखे थे, वो भाग दौड़ी में सारे पैसे गिर गए, माफ कर दो बेटा। गिर गए माफ कैसे कर दे, बिना किराया लिए हम जाने नहीं देंगे। हाँ पर डॉक्टर कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हाथ में स्टिचेस लगा दिए हैं, सर में जो चोट आई है उसके लिए इंजेक्शन लगा दिया है ताकि ब्लड रुक जाए। okay. नहीं घबराने की कोई बात नहीं है। okay.